शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक सरिता आर्या ने नवनिर्मित ERPF सेल और परीक्षा कक्षों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास और बेहतर सुविधाओं को लेकर सरकार कृत संकल्पित है और नए शिक्षण सत्र से राज्य में शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि बच्चों को डिग्री कॉलेज में किसी भी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए उन्हें डिजी लॉकर से जोड़ा जा रहा है। नैनीताल से संवाददाता तेज सिंह की रिपोर्ट। राज्य कुमाऊं विश्वविद्यालय में हमने जो एग्जामिनेशन हॉल है उसका यहाँ पे विधिवत उद्घाटन किया है। फिर जो समर्थ पोर्टल राज्य सरकार बना रही है सभी विभागों के लिए, उसका भी आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके लिए सर्वाधिक काम अगर किसी राज्य में सबसे पहले हुआ तो उत्तराखंड राज्य में हुआ है। और हमारी माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, उन्होंने भी दो तीन डिमांडें यहाँ पर की है कि साहब आवास की दिक्कत है यहाँ प्रोफेसरों के लिए, कुछ वो भी हम अपनी तरफ से यहाँ ज़रूर देंगे। और अब राज्य के हर विश्वविद्यालय में और हर डिग्री कॉलेज में अब संसाधनों की कमी नहीं है।